तो स्टूडेंट वी स्टार्ट विद द काइनेमेटिक्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर है, कई सारे पार्ट में डिवाइड है। काइनेमेटिक्स में कई सारे पार्ट होंगे, यूनिफॉर्म मोशन ऑन अ स्ट्रेट लाइन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, फिर वेक्टर्स, फिर प्रोजेक्टाइल, इस सब मोशन टू डायमेंशन में आ जाएंगे। बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर। तो इंट्रोडक्शन लेके चल रहे हैं इस चैप्टर का। पहले लेके चल रहे हैं मैकेनिक्स। इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द मोशन ऑफ द मटेरियल ऑब्जेक्ट्स, नॉन एज मैकेनिक्स। ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द मोशन ऑफ द मटेरियल ऑब्जेक्ट्स, नॉन एज मैकेनिक्स। और अभी मैकेनिक्स के पार्ट हो गए। स्टैटिक्स, it is the branch of mechanics in which we study about the material objects which are at rest, that is known as statics। statics ka matlab hi hota hai at rest, wo isme discuss karenge। matlab ki itne force lag rahe hain iske bawajood bhi agar koi material object rest mein hai to kyon rest mein hai, ye sab discuss karta hai। kinematics, the branch of mechanics in which we study about the motion of the material objects without taking account of cause of its motion, known as kinematics। मतलब kinematics में हम लोग ये पढ़ेंगे कि body motion में है, किस तरह की motion में है ये भी पढ़ेंगे, कि uniform motion है, accelerated motion है, non-uniform motion है, ठीक है, two dimension है कि three dimension, ये सब कुछ पढ़ेंगे। क्यों है ये नहीं पढ़ेंगे, कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं उसको इस तरह करने के लिए ये डिस्कस नहीं करना है। काइनेमेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द मोशन ऑफ द मटेरियल ऑब्जेक्ट्स विदाउट टेकिंग अकाउंट ऑफ कॉज ऑफ इट्स मोशन, दैट इज नोन एज काइनेमेटिक्स। डायनेमिक्स, द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द motion of the material objects also taking account of cause of its motion, kyun motion mein hai, kitne factors involved hain ye bhi discuss karna hai, kis tarah ki motion mein ye to discuss karna hi hai, aur kitne factors involved hain aisa karne ke liye ye bhi discuss karna hai, that is known as dynamics। okay, now ab dekhiye chale frame of reference। frame of reference hum kya hota hai, it is a fixed point or place with respect to which the position, velocity, acceleration of the object or particle can be measured, known as frame of reference। frame of reference is a fixed point or place with respect to which position, velocity and acceleration of the body measured, known as frame of reference। with respect to mein batana padega iske with respect yahan par are of two types, inertial frame of reference। inertial frame of reference ka matlab ho gaya ki acceleration should be zero, body should be in uniform motion, ek vastu zero ho। तो कहलाएगा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फॉर एग्जांपल, एक बस है और स्टेट हाईवे पे चल रही है, बढ़िया हाईवे, कहीं कोई ब्रेकर नहीं, और एक फिक्स्ड वेलोसिटी चल रही है 40 किलोमीटर पर आवर। अगर बस के ऊपर आप हो गए इतने अच्छा हाईवे और चार्ज चल रही है 80 कर लो, 100 कर लो, 100 किलोमीटर पर आवर से चल रही, और एक बॉल उसकी छत पर पड़ी है, अगर वो बॉल जहां पड़ी है वहीं पड़ी रहे, इस तो हम कह पाएंगे कि बस की छत या बस इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बन गया उस बॉल के लिए। इज इट क्लियर? क्योंकि बॉडी, इफ बॉडी इज एट रेस्ट रिमेंस एट रेस्ट, बॉडी इज इन मोशन कंटिन्यू मोशन, तो रेस्ट में तो रेस्ट में बनी रही, इसलिए वो क्या बन गया उसके लिए,
inertial frame of reference. Or inertial frame of reference means in which law of inertia hold good. जो न्यूटन्स का लॉ ऑफ एनर्जी है उसका होल्ड होना चाहिए, गुड होल्ड होना चाहिए. दैट इज नॉन एज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. ओके, नाउ नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस इसे एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी बोला करते हैं, एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी बोलते हैं. अब जैसे बस है और हाईवे पर चल रही है और कई सारे टर्न आ रहे हैं, टर्न आ रहे हैं तो अब देखो तो घूमेगी तो जो छत छत के ऊपर बस की छत के ऊपर जो बॉल पड़ी हुई है वो कभी इधर भागेगी, कभी इधर भागेगी, कभी वो जो ड्राइवर वो ब्रेक ले रहा है, कभी एक्सीलरेट कर रहा है, तो बॉल कभी आगे कभी पीछे कभी इधर कभी उधर ऐसे घूमेगी. इसका मतलब बॉल के अंदर क्या आ गया, एक्सीलरेशन. तो उसे बोलेंगे नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. जिसमें लॉ ऑफ इनर्शिया का होल्ड ना हो दैट इज नॉन एज नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. ओके, नाउ डिस्कस अबाउट द मोशन इन 1, 2 and 3 डायमेंशंस. बॉडी मोशन में है, रेस्ट में है, ये हम लोग 9th में पढ़ चुके हैं कि कब मोशन में कहेंगे कब रेस्ट में कहेंगे. हम लोग यहाँ लेके चल रहे हैं मोशन इन 1, 2 and 3 डायमेंशंस. तो लेके चल रहे हैं हम लोग मोशन इन 1 डायमेंशन. मोशन इन 1 डायमेंशन 3 कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई एंड जेड. आउट ऑफ 3 ओनली 1 कोऑर्डिनेट रिक्वायर्ड टू एक्सप्लेन द मोशन ऑफ अ बॉडी. Then, such type of motion is said to be motion in one dimension. या सिर्फ x की जरूरत पड़े, या सिर्फ y की, या सिर्फ z. Such type of motion known as motion in one dimension. Example, motion on a straight line. Motion on a straight line. That is known as one dimension motion. Clear? Now motion in two dimension. Motion in two dimension. Out of 3, any two coordinates are required to specify the motion of the body. XY, YZ or ZX. Such type of motion known as motion in two dimensions. The best example of motion in two dimensions is projectile motion. ये हो गया एक्स और वाई की जरूरत पड़ गई. ऐसे भी हो सकता है इट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ मोशन इन टू डायमेंशन प्रोजेक्टाइल. क्लियर? टू कोऑर्डिनेट जरूरत पड़ रही एक्स वाई यहां पर या वाई जेड या जेड एक्स. सच टाइप ऑफ मोशन इज नॉन एज मोशन इन टू डायमेंशन. Now discuss about the motion in 3 dimensions. All 3 coordinates are required to specify the motion of the body. Known as motion in 3 dimensions. Motion of the bird, motion of the kite, motion of the aeroplane, all are the examples of motion in 3 dimensions. Motion in a space. Motion in a space.
space is the example of motion in three dimensions. Thick. All three coordinates are required. Motion of the kite, bird, aeroplane, map, x, y, z, तीनो बताने पड़ेंगे. That's why it is known as motion in three dimensions. तो kinematics में बहुत सारे part हैं. पहला part है uniform motion on a straight line. Uniform motion on a straight line. So what is uniform motion? Motion is said to be uniform motion in which the body covers equal distances in equal interval of time. Equal distances in equal interval of time, or v remains constant throughout the motion. That is not a uniform motion. So non-uniform motion kya hogi? Motion of the body is said to be non-uniform motion in which body covers equal distances in unequal interval of time, or equal distances, unequal distances in equal interval of time. Be not constant. That is known as non-uniform motion. अगर मैं uniform motion on a straight line explain करना है, तो two parameters are required. अगर टू पैरामीटर्स आपके पास है देन यू कैन एक्सप्लेन द मोशन क्लियरली एंड कंप्लीटली. और इज इट यूनिट एंड सेंस ऑफ पैसेज ऑफ टाइम. और सेकेंड की जरूरत पड़ेगी ओरिजिन, यूनिट एंड डायरेक्शन ऑफ पोजिशन मेजरमेंट. अगर ये दो चीजें आपके पास है देन यू कैन एक्सप्लेन द मोशन कंप्लीटली. अगली वीडियो में हम लोग वो दो पैरामीटर्स डिस्कस करेंगे. ओके okay?